Welcome back viewers, let's continue our show. Doctor Saab, diabetes kin logon ko hone ke imkanat zyada hote hain? High risk pe wo log hote hain jin mein morusiyat sabse zyada hai, yani walden mein ya behan bhaiyon mein ya un logon mein jin se hamara khoon ka rishta hai. Agar kisi shakhs ko diabetes hai to unki aulad ko unki nasl ko chahiye ki apne sugar level ko at least saal mein ek baar zarur check kara le. Ye wo log hain jo high risk pe hote hain. बाद में तो ऐसा होता है कि वालदेन हयात नहीं होते हैं और कहते हैं वालदेन को शुगर थी, अब हमें तो कोई डर नहीं है. तो याद रखें, शुगर लगने वाली बीमारी नहीं है, ये खून में मुंतकिल होती है. तो इसलिए अगर वालदेन हयात हों या ना हों तब भी उनको खदशा रहता है. दूसरे वो लोग होते हैं जो मोटापे का शिकार हैं, एक ज़रूरत से ज़्यादा वज़न होता है उन लोगों का, तो उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने का खदशा है. तीसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो जिन लोगों का काम बैठने का ज़्यादा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, जिनके फिज़िकल एक्टिविटी कम है, जिस्मानी मेहनत कम से कम है, दिमागी काम तो है लेकिन वो अपने जिस्म को बहुत कम मुतहरिक रखते हैं, तो उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है. डॉक्टर साहब, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हाँ, डायबिटीज़ से बल्कि अगर आप ये मुझसे पूछें कि डायबिटीज़ कंट्रोल ना किया जाए तो क्या नहीं हो सकता, कोई भी जिस्म में ऐसा हिस्सा नहीं है जो डायबिटीज़ के असर से महफूज रह सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दिल है, गुर्दे हैं, आंखें हैं, नर्वस सिस्टम है, और लोगों के एम्पूटेशंस होने का एक मेजर वजह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है. तो स्किन में बॉयल्स हो सकते हैं, आंखें ब्लाइंडनेस हो सकती है, और गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं. ये सब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटिक कंट्रोल करने से उनसे बचा जा सकता है. होने के बाद भी जो बदकिस्मती है इस मुल्क में, अच्छे अच्छे पढ़े लोग जब कभी उनको पहली मर्तबे ये बात बताई जाए कि आपको एक ऐसा मर्ज है जिसका साथ ज़िंदगी भर होगा, तो वो इस कैफियत में होते हैं, चार अदवार से गुज़रते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं हो सकता, फिर जाके पांच जगह दिखलाते हैं, उसके बाद जब यकीन हो जाता है तो फिर कहते हैं आप जो कहेंगे वही करेंगे, उसके बाद फिर बगावत पर पहुंचते हैं कि फलां साहब को तो देखा था, उनको शुगर है, वो तो उस दिन मीठा पुलाव खा रहे थे. तो बगावत के बाद फिर एक कॉम्प्लिकेशन मेजर होती है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फालिज, ब्लाइंडनेस, रिनल फेलियर. तो कहते हैं कुछ कीजिए, अब हम सब कुछ मानेंगे. अगर कोई शख्स अपने चेहरे की जितनी हिफाज़त करता है उससे ज़्यादा शुगर के मरीज को अपने पैरों की हिफाज़त करनी चाहिए. उसको चाहिए कि रोज़ अपने पैरों को चेक करें कि कहीं उसमें मामूली ज़ख़म तो नहीं है, और मामूली चोट को भी मामूली ना समझें और ख़ुद उसको सही करने की कोशिश ना करें. बाद में ये होता है, बल्कि अक्सर ये होता है कि छोटा सा ज़ख़म होता है, अपने तरीके से कोई दवा ले ली या कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली और अपने तरीके से उसको हील करने की कोशिश करते हैं. ऐसा ना करें, मामूली सी चोट को मामूली ना समझें, ये पैर काटने तक की नौबत भी हो सकती है. रात को सोते वक्त कम से कम एक बार ज़रूर चेक कर लें, घर में भी नंगे पैर ना चलें. अक्सर हम सब लोग घर में कारपेट होता है, कालीन होता है, उस पर हम नंगे पैर चलते हैं. शुगर के मरीज़ भी चलते हैं पैर नंगे, उनको महसूस नहीं होता क्योंकि उनमें हिस कम हो जाती है. तो हिस कमी की वजह से अगर उनमें कोई मामूली ज़ख़म या चोट लग जाती है तो उन्हें महसूस भी नहीं होता कि उनमें कोई ज़ख़म हो गया है. डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ का इलाज क्या है और उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? डायबिटीज़ का अगर हम देखें मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं तो इसमें चार फैक्टर होते हैं. सबसे पहला फैक्टर है परहेज़, खुराक में ऐसी अशिया का परहेज़ जो बिल्कुल मीठी हैं, गुड़, चीनी, ग्लूकोज वाली चीज़ों का परहेज़ है. और दूसरे नंबर पे वर्जिश है, जो आमतौर पे हम उसको कहते हैं कि पैदल चलना उसके लिए बेहतर होता है. तीसरे नंबर पर है दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक है. और चौथे नंबर पे जो सबसे अहम बात है जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं या उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं, वो है खुशगवार तर्ज ज़िंदगी को अपनाना. डायबिटीज़ की जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, टाइप वन में तो इंसुलिन उसका मेन स्टे है, उसके बगैर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई गोलियाँ उसमें काम नहीं करती क्योंकि बॉडी में इंसुलिन होती ही नहीं है. और परहेज़ और वर्जिश तो उसमें भी ज़रूरत होती है और टाइप टू में भी ज़रूरत होती है. टाइप टू का इनिशियल इलाज जो है वो वर्जिश और परहेज़ से होता है, और उससे अगर कंट्रोल नहीं हो तो हम तो गोलियाँ ट्राई करते हैं. इन लोगों की दवाएं चार कैटेगरीज में हैं,
ایک تو پیور وہ جو پینکریاس بناتا ہے انسولین یا اس کی مختلف شکلیں، ایک ہے وہ دوائیں جو چابک مارتی ہیں پینکریاس کو، نکلو یہاں سے انسولین لے کر، اگر ہے وہاں آبادی سیلز کی تو نکلے گا، نہیں تو نہیں نکلے گا۔ تیسری وہ دوائیں جو کہ شوگر کی ابزارپشن کم کرتی ہیں، یعنی آنتوں سے۔ اس میں دوا کے علاوہ ایک اور چیز ہے، گوارگم یہاں بازار میں ملتی ہے، اگر آپ گوارگم کی چپاتی بنا لیں اور شوگر لیں تو ابزارب نہیں ہوگا، اس ریٹ آف ابزارپشن اتنا کم ہوگا، شوگر اسی سے کم ہو جائے گی۔ پھر پیریفری میں کچھ ہے سیلز، کچھ جگہ ہیں جن کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، تو جو چوتھی دوائیں ہیں وہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا انسولین ڈائبٹیز کا آخری علاج ہے؟ کئی قسم کی گولیاں ہیں، جو کہ سلفن یوریا گروپ ہے، ایک میٹفارمن گروپ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی قسم کی گولیاں ہیں، کچھ نئی ہیں کچھ پرانی ہیں، لیکن اگر ان سب سے کے باوجود شوگر کنٹرول نہیں ہو تو انسولین جتنی جلدی شروع کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، جتنا آپ اس میں دیر کریں گے اتنے ہی کمپلیکیشنز کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ Let's take a quick short break. Stay tuned. We will be right back.